अभी काट वट लेगा भाई मेरे को जबरदस्ती। भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, तो काहे मेरे को परेशान कर। ये देखो अच्छा, इसको ऐसे दबाओ। ये देखो गणपति बप्पा मोर रहा। जाओ 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 जाओ। गया 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 गया। देखो भाग गया, देखो भाग गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और वीडियो में। आज का वीडियो देखोगे कितना खतरनाक। आज मेरे साथ कौन है? देखो चूहा महाशय दिख रहे आपको? ये देखो, दिख रहे हो चूहा महाशय को? भाई फंस गया ये, और अभी मैं आया इसको छोड़ने। पर ये ना बहुत खतरनाक रहते हैं। हाँ भाई, एक बार आप बताओ एक बात। एक बार ना इस ऐसे एक चूहे को ना, मतलब ऐसे घर में था तो उसको मम्मी ने पकड़ा था, और फिर मम्मी पकड़ के ना वो पोछा होता है ना, पोछा जिसमें सब पैर पोछते, पायदान सॉरी, तो उसमें मम्मी ऐसे पकड़ ली थी जकड़ के, ऐसे दोनों हाथ से जैसे पकड़ते ऐसे जकड़ के पकड़ ली थी मम्मी, और ना फिर उसको खिड़की से नीचे गिरा रही थी जाली से। तो वो चूहा ना मेरी मम्मी के ना इधर ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा राइट या लेफ्ट अंगूठे में काट लिया था। तो वो चोट इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ऐसी नौबत आ गई थी ना कि डॉक्टर बोला कि अगर आप थोड़ा जल्दी नहीं आते तो आपका एक अंगूठा काटना पड़ता, कि मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। ये भाई बहुत ख़तरनाक होते हैं ये। देख रहे हो बाहर निकलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं डर रहा था भाई ऊपर पकड़ने से, फिर याद आया, देखा ध्यान से तो ये पूरा जाली से पैक है। तो इसको कहाँ छोड़ूँ? मतलब सोसाइटी में आया हूँ भाई, एकदम 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 अंदर। इसको खींच दूंगा तो ये खुल जाएगा। ये देखो इसको अगर ऐसे, अबे साले काटना मत मेरे को, इसको खींचूंगा ना खुल जाएगा, पर मेरे को इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। रोटी खा ले, रोटी भी नहीं खा रहा है ये, कि रोटी खा ले तो मैं इसे छोड़ दूं। इसको बाहर निकलने का है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कितना खतरनाक। ये भी चीज़ बुरा लगता है यार, कि किसी को बांध के रखो और फिर वो बाहर निकलने के लिए तड़पे। देख रहे हो? चलो अभी छोड़ ही देता हूँ भाई, इस प्यारे से फूल के बगीचे में छोड़ता हूँ मैं इसे। ये रुक जा शांति से भाई, इसको निकालू अब। पहले ऐसे दोनों पैर से पकड़ लेता हूँ, ए हट जा, दोनों पैर से ऐसे, और फिर इसको खोल दो। गणपति बप्पा मोर यहाँ पे बाहर खुल। अब भाई खुलेगा कैसे यार, खुलेगा कैसे? अरे भाई, अरे भाई मेरे को तो खोलने ही नहीं आ रहा है। बाप रे भाई, ये तो खोलने ही नहीं आ रहा है मुझे। अबे खुलेगा कैसे ये? मम्मी मेरे को पूछी थी कि तेरे को आता है ना ये, उनको ये वाला नहीं आ रहा है, खुलेगा कैसे? काट ना ले, रुक बे, रुक जा भाई। अबे खुल, खुलने ही नहीं आ रहा है। अबे कूद मत, तो को निकाल रहा बाहर भाई। मेरे को नहीं आ रहा है खोलने, अब जा रहा हूँ मम्मी को फोन करने में। तो भाई मुझे समझ में आ गया कि इसको कैसे खोलना है। इसको ना ऐसे पकड़ के दबाना है और फिर वो इधर से उठ जाएगा। ये मैं इसको ना इससे सीधा करता हूँ। अभी देखो एक बाहर आ जाएगा। मेरे को काटना मत भाई, तू तो को छोड़ रहा हूँ मैं। देखो ये ऐसे दबाएंगे, ऐसे दब ही नहीं रहे भाई, बहुत ताकत है ये। रुको छोटू, खुल जा। ये देखो खुल रहे। अभी काट वट लेगा भाई मेरे को जबरदस्ती। भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, तो काहे मेरे को परेशान कर। ये देखो अच्छा, इसको ऐसे दबाओ। ये देखो गणपति बप्पा मोर रहा। जाओ 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 जाओ। गया। देखो भाग गया, देखो भाग गया वो, देखो गया वो उधर भाग गया, आ गया बाहर। इतना सिंपल ही था। यहाँ पे ये डॉगी, ओ हेलो डॉगी भाई। वो डॉगी ना यहाँ पे देखो हमेशा भुकता है। ये मेरी सोसाइटी में कभी आना तो ध्यान देना, डॉगी हमेशा भुकता है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया भाई, चूहा छोड़ने का काम था मेरा सुबह सुबह आज का। तो अभी चूहा छोड़ दिया, अभी बज रहे दोपहर के लगभग 4, और अभी मैं जा रहा हूँ काम से।
बैंक से जाके आने के बाद भाई एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा था, और वो उलझन से निकला, फिर आकाश की दुकान लगवाया और फिर उसके बाद पेट्रोल वगैरह भरवा के अब आके भाई बैठ गया हूँ शांति से एकांत में तालाब पर। यहाँ पर देखो छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है, कल के दिन है छठ। बाकी ये गंदगी देख लो भाई, कल के वीडियो में भी मैंने दिखाया था, बाकी गंदगी देख लो कितना गंदा है। अभी मैं बताता हूँ भाई मेरे को क्या उलझन थी। अचानक से ना मुझे ना 15,416 रुपये एग्जैक्ट इतने पैसे की ज़रूरत पड़ी अचानक से, 15,416, और मेरे पास सिर्फ 500 कुछ रुपये ही थे, 500 कुछ रुपये ही थे, बाकी मेरे पास पैसे नहीं बिल्कुल भी। तो अभी मेरे पास इतना पैसा आए कहाँ से, तो मैंने ना भाई फिर कॉल किया अपने फ्रेंड लोग को, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई आज का ना डेट दिखाता हूँ सबसे पहले, ये देखो 6 नवंबर दिख रहा है, इसके पहले मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन मेरे बैंक से 4 नवंबर को किया, देखो 6 नवंबर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फ्रेंड लोगों ने ना मुझे कितने कितने रुपए की हेल्प करी है। ज़्यादा दोस्तों से नहीं मांगी हेल्प मैंने, बस गिने चुने दोस्तों से हेल्प मांगा, और भाई मुझे बस एक फ्रेंड ने ना किया, मतलब उसके पास नहीं था, मैं समझ के लेता हूँ, बाकी जितने फ्रेंड थे ना भाई साहब ने मैनेज किया। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो सबसे पहले भाई आया 5,000 रुपये, दिख रहा है आपको, सबसे पहले आया 5,000, फिर आया 7,500, फिर उसके बाद आता है 1,000 रुपये एक फ्रेंड से बोला, और फिर उसके बाद 1,020। ये जो एक आपको 1,020 दिख रहा है ना, ये 1,020 मेरा ही खुद का है, यानी मैं ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, गोल्ड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एक बार और मुझे ऐसी बहुत ज़रूरत पड़ी थी, तब भी मुझे नीड थी पैसे की, तब भी मैंने मेरे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में से कुछ 2,000 रुपये समथिंग निकाला, 2,000-2,500 ऐसा। तो इस बार मेरे गोल्ड में 1,020 रुपये था, तो वो मैंने निकाल लिया गोल्ड का, तो 1,020 रुपये गोल्ड का। और फिर उसके बाद 263 रुपये आया, 263 ना, जो फ्रेंड के पास 263 रुपये था उसने पूरे 263 पूरा मार दिया। तो फिर उसने मुझे फिर से वही फ्रेंड है भाई, उसने मुझे फिर से 200 मारा, और फिर उसने फिर से मेरे को 100 मारा, यानी फिर उसने अरेंज किया कहीं से, और उसने टोटल मुझे 500 मारा, और जो 63 रुपये था, यानी कि जो ऊपर के 63 रुपीस थे, वो मुझसे रिटर्न मांगा, तो मैंने उसको रिटर्न दिया। उसके बाद मुझे जो ज़रूरत थी पैसे की, जहाँ पर ट्रांसफ़र करना था, तो ये देखो एक 5,584 मैंने ट्रांसफ़र मारा, और फिर एक 9,832। तो ये देख रहे हो, ये आज का ट्रांजेक्शन है भाई। मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गया था ना, बट भाई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड है भाई, कि मैंने उनको कॉल किया, और ऐसे कोई भी फालतू मतलब ऐसे कि कोई उल्टे सीधे फ्रेंड नहीं भाई, जो मतलब जिससे मुझे लगा कि हाँ मुझे इससे मदद मिल सकती है, मैंने उसको कॉल किया, और भाई मुझे 7,000 5,000 रुपये के एक फ्रेंड से मिला भाई। ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में ना बहुत, मतलब वो खुद को ना बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसे दोस्त भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, बाकी कोई मुझसे नाम मत पूछना भाई, कौन फ्रेंड कैसा फ्रेंड। और ऐसे ही ना मुझे एक बार और ज़रूरत पड़ी थी पैसों की अचानक से, तब मैंने भाई मेरे फ्रेंड से पैसे मांगे थे, तब भी मुझे पैसे मिले थे भाई। वो तब के टाइम के कुछ फ्रेंड मेरे वो मतलब मुझे याद है मेरे वो फ्रेंड, और तब के टाइम मैंने गोल्ड में जो इन्वेस्ट किया था, गोल्ड का भी अपना निकाल दिया था मैंने गोल्ड का, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तब कुछ 9-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी तब। तो भाई मुझे ना बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोग भी यार दोस्ती करो तो भाई ऐसे ही दोस्तों से करो भाई, जो आपको नीड आ जाए आपके ज़रूरत के टाइम पर। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस मुझे यही बताना था, यही बोलना था। तो मुझे शांति से अभी बैठना है भाई एकांत से, और सोचना है काफ़ी कुछ। तो मैं बैठा हूँ भाई शांति से, और आपको बता दिया मैंने। तो भाई दोस्ती ऐसे ही लोगों से करोगे भाई, मुझे ये पूरे पैसे ना भाई 1.5 घंटे के अंदर आए हैं, 1.5 घंटा लगभग कुछ, क्योंकि एक फ्रेंड जो मेरे को मतलब ट्रांसफ़र किया है, एक फ्रेंड वो ना कंपनी में था, तो वो कॉल इशू के वजह से लेट हो गया थोड़ा, वरना वो पैसे और जल्दी आ जाते। बाकी तो 7,500-5,000 ये ना 40 मिनट के अंदर ही आए थे भाई कॉल करने के। अच्छा लग रहा है मुझे, लास्ट टाइम के भी मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प करी थी, मुझे याद है भाई। तो ये सब दोस्तों को मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये सब दोस्त हमेशा मेरे साथ में रहेंगे, उनको ऐसे झाड़ू से मारूंगा, झाड़ू से। ये झाड़ू यहाँ पे इसलिए रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर ना साफ़ सफाई होगा, समझे, जो लोग छठ की पूजा करने आए ना वो लोग यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे, तो इस वजह से झाड़ू है। तो अभी ब्लॉग वीडियो आज का समाप्त करते यहीं पर, और मैं खुशी जाऊँगा घर। और हाँ, इनको पैसे भी मैं रिटर्न कर दूंगा अभी 2 दिन के अंदर, अभी आज नहीं, मतलब मुझे सामने वाली पार्टी से आएगा 2 दिन में, तो बट मैंने उनको 3 दिन का टाइम दिया है, तो 3 दिन में मैंने जिससे 7,000, 5,000, 200, 300 जो भी है वो सब मैं उनको रिटर्न मार दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, छठी मैया की जय। ऐसे दोस्त पालो बे, ऐसे दोस्त पालो, जय श्री राम।